हिंदू धर्म एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी बातों को बताया गया है। इस ग्रंथ में काफी कुछ जान सकते हैं, इससे जीवन के अच्छे बुरे का पता लगाया जा सकता है। उन्हीं ग्रंथों में से एक है गरुड़ पुराण। इसके बारे में शायद आपने सुना ही होगा। ये सभी ग्रंथ में से एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। गरुड़ पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सदगति प्रदान करने वाला माना जाता है। तभी व्यक्ति की मृत्यु के बाद हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण सुनने का प्रावधान है। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं। इसीलिए यह वैष्णव पुराण है। इसमें भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय माना गया है। आपको बता दें, भगवान विष्णु की भक्ति कुछ इस प्रकार है कि उनकी भक्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। इस पुराण में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का जिक्र किया गया है, जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में उपलब्ध होता है। इसके शुरुआत में बताया गया है कि कैसे मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है, और फिर उसके बाद सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। वहीं इस ग्रंथ में कहा गया है कि यमलोक यानी कि नरक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, यहाँ पापी लोग कैसे जाते हैं, इसमें भगवान के गरुड़ को सारी कहानी बताई है। महान दुख प्रदान करने वाला यम मार्ग के विषय भगवान ने खुद गरुड़ को बताया कि मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। इस भक्ति का सार कुछ इस प्रकार है कि आपकी रूह कांप उठेगी। आपको बता दें, पूरे नरक मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, दूर दूर तक कोई भी साधन नहीं है, अन्न का रास्ते में कोई प्रावधान नहीं है, कहीं पर भी आपको जल के दर्शन नहीं होंगे। हमेशा वहां पर प्रलयकाल की भांति बारह सूर्य तपते हैं। लिखा है, जो उस मार्ग में जाता है उस पापी को कभी बर्फीली हवा रुलाती है तो कभी कांटे चुभते हैं। इतना ही नहीं, वहां पर विषैले और महाविषधर सांप द्वारा डसा भी जाता है। कहीं आग से देह को जलाया जाता है तो कहीं सिंहों, बाघों और भयंकर कुत्तों द्वारा कटवाया जाता है। बिच्छुएं भी उनके डंक मार मार कर परेशान करते हैं। प्रभु कहते हैं कि इसके बाद इंसान भयंकर आसिपवित्रवन नामक नरक में पहुंचता है, जो कि 2000 योजन के विस्तार वाला बताया गया है। आपको बता दें, ये वन घने कौए, उल्लुओं, गीधों, सर्गों तथा डांसों से भरे हुए हैं। यहाँ हर तरफ दवागनी होती है। वह जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत से बहुत ही भयंकर रूप में टकराते हैं। चाकुओं की धार पर भी चलना पड़ता है, वहां की नुकीली कील भी मार के रखती हैं। कभी तो घने अंधेरे में फेंक दिया जाता है। वहीं जब गरुड़ भगवान से पूछता है कि प्रभु मृत्यु के बाद होता क्या है, तो उसके बारे में भगवान कहते हैं, जहां धर्म शुद्ध और सत्य आचरण पर बल देता है, वहीं पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक तथा इनके शुभ अशुभ फलों पर भी विचार करता है। वैसे 3 अवस्थाओं में बांट देता है। इतना सब सुनने के बाद उनको खुद समझ आता है कि वाकई ये बहुत कठिन नगर है, तो व्यक्ति को कभी जीवन में कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। ईमानदारी आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। कभी भी व्यक्ति को किसी से लड़ाई या मनमुटाव भी नहीं करना चाहिए, इससे नरक भोगना भी पड़ सकता है। वैसे मनुष्य को जीवन में एक बार गरुड़ पुराण जरूर जानना और पढ़ना चाहिए, इससे उसके गलत काम पर रोक जरूर लगेगी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।